नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बनवाल। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। तो आप बताइए कि SBI PO का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया, मतलब 2 दिन का पेपर ख़त्म हो गया, मेजर शिफ्ट ओवर हो गया। कैसा रहा आपका अटेम्प्ट, और मज़ा आया कि नहीं पेपर देने में, ये बताइए आप मुझे पहले। कट ऑफ का डिस्कशन तो करेंगे, पहले आप ये बताइए कि पेपर आपका कैसा रहा। मेरा पेपर तो मैंने जैसा आपको बताया था कि फर्स्ट डे का 4 शिफ्ट में था, और मैंने 69 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें क्वांट में 18, रीजनिंग में 23 और इंग्लिश में 27। तो अटेम्प्ट तो मेरी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी। हालांकि मैं एक्यूरेसी के साथ बनाता हूँ, लेकिन अब देखते हैं, SBI PO भाई कुछ भी हो सकता है। तो 2 शिफ्ट, मतलब 2 दिन का पेपर ख़त्म हो गया, 8 शिफ्ट पेपर ख़त्म हो गया। अब घूम फिर के बात आ जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, जिसका एक इंतज़ार सबको रद्द होता है। भाई SBI PO है तो सबको इंतज़ार तो होगा ही। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, तो अगर मैं फर्स्ट डे से सेकेंड डे को कंपैरिजन करूँ, स्पेशली फर्स्ट डे का जो 4 शिफ्ट का पेपर था और सेकेंड डे का जो थर्ड 4 शिफ्ट का पेपर था, वो काफ़ी लेंदी बोल रहे हैं सब कोई। ठीक है, तो देखिए, जब भी पेपर लेंदी होता है तो अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट के वो घटने लगते हैं। फर्स्ट डे में बहुत सारे लोग 70 भी करके आए हैं, 65+ तो काफ़ी लोग अटेम्प्ट थे, लेकिन सेकेंड डे में जब थर्ड शिफ्ट 4 शिफ्ट का पेपर हुआ, तो काफ़ी लोग के अटेम्प्ट घट गए। कुछ 50s में बना के आ रहे हैं, कुछ 55 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 45 अटेम्प्ट किए हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल। अगर मैं पिछली बार से कंपैरिजन करूँ, तो पिछले बार जो SBI PO में शीट्स था, वो था 2000, ठीक है, और कट ऑफ जो था वो था 58.75। और इस बार से अगर उसको कंपेयर करूँ, तो इस बार सीट थोड़ा ज़्यादा है, 2056 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे वो 20,560 होंगे। तो उस हिसाब से अगर पेपर को देखा जाए, तो पिछले बार का जो पेपर था और इस बार का पेपर, वो लगभग सेम है। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे, तो एक्सपेक्टेड जो रेंज मेरे हिसाब से है, वो 54 से 58 के बीच में है। और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें, तो अगर किसी ने 55+ अटेम्प्ट किया, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जब मैं सेल्फ गिवन एग्जामिनेशन दिया था, कि अगर किसी का अटेम्प्ट 55+ है और 60 से कम है, तो उसकी एक्यूरेसी 95%+ होनी चाहिए, यानी कि 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश को मिलाकर, ठीक है। और अगर किसी का अटेम्प्ट 60 से 65 के बीच है या उससे ऊपर है, तो 85 से 90% एक्यूरेसी अगर है, तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 50 अटेम्प्ट तो आपको हो जाएगा, हो भी सकता है, SBI PO है, क्या पता। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है किसी के 5 मार्क्स बढ़ जाए, 6 मार्क्स बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है उस केस में। अच्छा, अब बात रहा कि मेंस का तैयारी आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल इशू है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पहले प्री का रिजल्ट देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद मेंस का पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी SBI PO का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद IBPS PO का एग्जाम 4th से स्टार्ट है, ठीक है, उसके बाद IBPS क्लर्क का भी एग्जाम है, यानी कि 3 एग्जाम एक साथ है। और आपको पता है कि अभी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वो इजी नहीं आ रहे हैं, वो काफ़ी टफ टफ आ रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एकदम डीपली पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए रोज, SBI PO का। अगर आपने 50 अटेम्प्ट भी किया है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरा हो रहा है, बाकी हो या ना हो वो तो बात की बात है। इससे क्या होगा कि आपको करंट अफेयर पढ़ने मन लगेगा, IBPS PO IBPS क्लर्क का भी एग्जाम बाकी है, और उसमें आपका करंट अफेयर जरूर काम आएगा। और करंट अफेयर एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में काम आती है, ठीक है। तो यही कहना था मुझे। और हाँ, अगर आपने मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। मेरा पेपर जो है फर्स्ट डे, यानी कि 20th नंबर को 4 शिफ्ट में था। उसके बाद अभी IBPS PO का एग्जाम है, 4 तारीख को 1st शिफ्ट में, उसका एनालिसिस भी आपको जरूर दूंगा। तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करना है, ठीक है। क्योंकि मैं IBPS PO प्रीलिम्स का पहला डे का पहला शिफ्ट का पेपर है मेरा, मैं अच्छे से एनालिसिस दूंगा, जैसे मैंने SBI PO का दिया था, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके एक बार जरूर देखिए, विजिट करिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं 5+5 सीरीज पहले करवाता था, जिसमें 5 करंट अफेयर्स और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो आप देखते होंगे कि आप जब क्लोज टेस्ट बनाते हैं, या फिर आप जब पैसेज में साइनो इंटो बनाते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड मीनिंग का काफ़ी मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मीनिंग पता रहेगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छी अच्छी मीनिंग्स आती है PO के एग्जाम में। अगर मैं SBI PO या IBPS PO का बात करूँ, तो वर्ड मीनिंग काफ़ी एडवांस लेवल का होता है, स्टैंडर्ड एक अच्छा होता है। और मैं रोज आपको 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ, जो कि एकदम PO लेवल का होता है। तो अगर आपने मेरी सीरीज नहीं देखी है, तो आप
वीडियो में टाइप करेंगे 5 years struggle 5+5 series, तो आपको 5 English के word मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, और वो आपको प्री हो या मेंस हो दोनों में काम आएगा, चाहे वो पैसेज के साइनमेंट हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, चाहे वर्ड रिप्लेसमेंट हो, ये सब में काम आएगा। बस यही कहना था। हाँ, एक चीज़ और पूछना था आप सभी से कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था और आपने कितने अटेम्प्ट किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने हैं और आपको क्या लगता है कितना होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में भी जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। कौन सा दिन में पेपर था शिफ्ट में, कौन सा डे में था, आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके हिसाब से क्या हो सकती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, गुड नाइट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।